हाय एवरीवन स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हिमाचल प्रदेश के जनवरी 2022 के करंट अफेयर का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा जिसमें हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक न्यूज पूछी जाती है मेरा नाम है रवनीत कौर शुरू करते हैं लेक्चर को सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में हाई ऑल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो किस जगह पे बनाया जाएगा इसका करेक्ट आंसर है कुल्लू में इसको डेवलप किया जाएगा आप इसको ऑप्शन करेक्ट मार्क कर लीजिएगा इसका आंसर लाहौल है एक्चुअल क्योंकि हाई ऑल्टी की बात कर रहे हैं तो हम अगर ज्योग्राफी जो, भी पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की तो हमें पता होगा हाई ऑल्टी पे लाहौल स्पीति हो गया चंबा कांगड़ा ये कुछ रीजन आते हैं तो इसका आंसर है लाहौल स्पीति और लाहौल स्पीति में स्पेसिफिक जगह जो है काजा वहां पे इसको बिल्ड किया जाएगा इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी वो ध्यान रखेंगे सिक्सटीन करोड़ रुपीज होगी स्केट बोर्ड्स जो हैं वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्लेयर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे जो इस जगह पे इस हाई ऑल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर पे आके ट्रेनिंग लेंगे और ये जो स्केट बूट्स दिए जाएंगे या डिफरेंट ट्रेनिंग टूल्स दिए जाएंगे उसके लिए सरकार अलग से सत्ताईस लाख रुपए जो हैं, वो है वो स्पेंड करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ नेशनल विमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप को काजा लाहौल फिते डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया तो किसके द्वारा इसका इनगरेशन किया गया ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर है चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा ये किया गया है क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि नेशनल वीमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप कौन से नंबर की ऑर्गेनाइज हुई तो नाइन्थ नंबर की थी जिसे ऑर्गेनाइज किया गया सोलह जनवरी दो हजार बाईस को और आइस स्केटिंग रिंग जो काजा में लोकेटेड है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में वहां पे ये चैंपियनशिप जो है वो कराई गई और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी के द्वारा ये भी कहा गया कि पहली बार नेशनल लेवल आइस हॉकी कंपटीशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ है तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट टाइम ये नेशनल लेवल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम किस साल में ऑर्गेनाइज हुई तो दो में नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू जो साइन किया गया है उसके तहत किस डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा सो so, इसका करेक्ट आंसर है आदि बद्री डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है अब आदि बद्री डैम के बारे में अगर डिटेल से बात की जाए तो ध्यान रखेंगे ये डैम जो है वो मिथिकल सरस्वती रिवर जो है उसको रेजुवनेट करने के लिए बनाया जाएगा ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे डेवलप किया जाएगा प्लेस जो है उसको रिवर का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है जहां पे ये डैम का कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू किया जाएगा इस एरिया को धीरे धीरे करके क्योंकि मिथोलॉजी से रिलेटेड है तो धीरे धीरे करके पिलग्रीमे सेंटर के तौर, तौर पे भी बढ़ावा दिया जाएगा अगर डैम की बात की जाए कितने लैंड में बनेगा तो थर्टी वन पॉइंट सिक्स सिक्स हेक्टेयर के लैंड में बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में और इसकी हाइट रहेगी बीस पॉइंट पांच मीटर इसके अलावा ये जो डैम है सरस्वती मैथोलॉजिकल रिवर के अलावा सौंब रिवर से भी पानी लेगा जो कि यमुना रिवर में जाके मिल जाती है वाटर शेयर की बात की जाए अगर दोनों स्टेट के बीच में तो ध्यान रखेंगे डैम की जो कैपेसिटी है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि टू टू फोर पॉइंट फाइव एट हेक्टेयर मीटर का जो पानी है इतनी कैपेसिटी इसमें रहेगी और इसमें से जो ज्यादा पानी का शेयर है बेसिकली वो दोनों स्टेट से मतलब अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश को इसका ज्यादा शेयर मिलेगा आद आदिद्री डैम के बारे में अगर और बात की जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ ही एक लेक भी बिल्ड की जाएगी जो कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हेल्पफुल रहेगी है। सरस्वती रिवर की अगर थोड़ी सी आपसे डिटेल पूछ ली जाए तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैदिक टेक्स्ट में आपको इस रिवर का रेफरेंस मिलता होगा इसको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत ही होली रिवर माना जाता है ये कहा जाता है कि ये कपाल तीर्थ जो है हिमालय का वहां से ओरिजिनेट होती है फिर मानसरोवर से होते हुए वेस्ट की तरफ टर्न कर जाती है और हरियाणा राजस्थान और नॉर्थ गुजरात का जो एरिया है वहां से ये फ्लो होती है इसके बाद ये फाइनली वेस्टर्न सी में रन ऑफ कच्छ से होते हुए जाके मिल जाती है रिवर की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ सरस्वती रिवर की बोली जा रही है वो फोर थाउजेंड किलोमीटर है नेक्स्ट क्वेश्चन टैक्स हार्ट के बारे में है आपको बताना है ये प्रोग्राम कौन सी स्टेट का है सो so, हिमाचल प्रदेश का प्रोग्राम है बेसिकली चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी के द्वारा टैक्स हार्ट प्रोग्राम जो है सो लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यह प्रोग्राम जो है उसको शुरू किया गया है बेसिकली ये टैक्स कंप्लायंस को बढ़ावा देने के लिए है कि आप टैक्स पे करने के लिए अपनी तरफ से विलिंग रहे तो टैक्स कंप्लायंस को इम्प्रूव करेगा और स्टेट के अगर रिवेन्यू की बात की जाए तो टैक्स कंप्लायंस डेफिनेटली बढ़ा है लेकिन ये उसे और भी ज्यादा बढ़ाएगा 11 करोड़ स्टेट का रिवेन्यू जो था वो 1974-75 में हुआ करता था जो कि आज के टाइम पे बढ़ के सात करोड़ हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर इंक्लूड किया गया था और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में कंट्री में लॉन्च किया गया था यह इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है सो हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है वो है चंबा चंबा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में डाला गया है जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था टोटल 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि नीति आयोग के द्वारा सेलेक्ट किए गए थे डिफरेंट पैरामीटर्स थे जिसके बेस पर डिस्ट्रिक्ट को पूरे कंट्री में से सिलेक्ट किया गया जैसे कि हेल्थ कैसी है न्यूट्रिशन कैसा है एजुकेशन कैसा है एग्रीकल्चर कैसा है सो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट का क्या प्रोग्रेस चल रहा है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ की गई और चंबा के भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ ही मीटिंग जो है वो कंडक्ट की गई और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चंबा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ की गई है क्योंकि ये देखने को मिला है कि जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं चंबा में उनकी संख्या जो है वो अब 97 परसेंट हो चुकी है यानी कि ज्यादा से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं जो कि सिटीजन फ्रेंडली सर्विसेज को इजीली प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको उन यंगस्टर का नाम बताना है जो कि थियोग से यानी कि शिमला से है और इनको इंटरनेशनल आईकॉन अवार्ड दो से नवाजा गया तो आप यहां भी इनकी तस्वीर देख सकते हैं इनका नाम है हर्ष कंवर तो शात्या पंचायत जो है की वहां से ये बिलोंग करते हैं इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2022 इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने योगा और मॉडलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया इनको शान हिमाचल अवार्ड 2018 में दिया जा चुका है इसके अलावा भारत योगा अवार्ड जो है उसके भी ये विनर रह चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 हंड्रेड मेगावॉट अरुण थ्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसको सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है पहली बात तो कंस्ट्रक्शन की एजेंसी ध्यान रखेंगे सतलुज जल विद्युत निगम आपको बताना है ये प्रोजेक्ट कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है so, इसका करेक्ट आंसर है नेपाल क्योंकि अगर आपको अरुण पता है कि एक रिवर है जो कि नेपाल से ही निकलती है तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर याद रह जाता सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा ये 900 मेगावाट की कैपेसिटी का जो प्लान जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट दिया गया है कि 2025 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए लेकिन सतलुज जल विद्युत निगम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो शायद ये प्रोजेक्ट दो से पहले दो में ही कम्प्लीट हो जाएगा सो ये प्रोजेक्ट लगभग चार मिलियन यूनिट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी साल में प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको तीन रेयर एनिमल स्पीशीज के नाम बताने हैं जिनको कि फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश की काउंटिंग में इंक्लूड किया गया जब एनिमल स्पीशीज की काउंटिंग की जाती है तो इनको फर्स्ट टाइम इस काउंटिंग में डाला गया है इसका करेक्ट आंसर है आई ब्राउन एंड रेड बियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये रेयर स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं ये ध्यान रखना है क्वेश्चन से ही निकलता है ये क्वेश्चन रेयर एनिमल स्पीशीज ठीक है और इनको हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट में देखा गया तो पहली बार इन तीनों वाइल्ड एनिमल्स को काउंट किया जाएगा और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि स्नो लेपर्ड जो कि हिमालयन रीजन में मिलता है पिछली बार उसको भी जनगणना में डाला गया था और अब ये तीन नए और हैं जिनको की इस गणना में डाला गया है और ये जो गणना है एनिमल्स की ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती सुपर हंड्रेड स्कीम के बारे में इस स्कीम के तहत जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी अमाउंट दी जाती है कोचिंग लेने के लिए ये आपको बताना है so, इसका करेक्ट आंसर है एक लाख रुपया प्रति स्टूडेंट जो है वो दिया जाता है हंड्रेड स्टूडेंट इस स्कीम के तहत सेलेक्ट किए जाते हैं कोचिंग के लिए फ्री कोचिंग उनको प्रोवाइड की जाती है और स्टूडेंट्स को टेंथ क्लास में उनका क्या मेरिट रहा था उसके बेस पे सिलेक्ट किया जाता है सो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन लेना चाहते हैं तो पैसे की किल्लत की वजह से वो नहीं ले पाए तो इसके असिस्टेंस के लिए सरकार के द्वारा ये स्वर्ण जयंती सुपर हंड्रेड की जो स्कीम है उसको निकाला गया सो so, योजना के तहत दसवीं बोर्ड के पहले सौ स्थानों पर रहने वाले जो छात्र होते हैं उनको कोचिंग के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की जो कोचिंग होती है उसके लिए एक एक लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कि काजा लाहौल स्पीति में हुआ है रिसेंटली आपको बताना है इसमें चैंपियन कौन सी टीम रही है इसका करेक्ट आंसर है है इसमें लद्दाख टीम जो है, वो चैंपियन रही है सारे जो मैचेस हैं वो लीग बेसिस पे खेले गए और फाइनल और सेमीफाइनल मैच नहीं हुए थे जिस भी टीम ने कंपटीशन पूरे में अच्छा परफॉर्म किया था ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट उसका सिलेक्शन किया गया विनर के तौर पे और चंडीगढ़ की जो टीम है वो सेकेंड रही है डेली की टीम जो है वो थर्ड है और फर्स्ट है लद्दाख की टीम नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत कितने परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन का टारगेट रखा गया है 2025 तक यानी कि उतने व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए 2025 तक सो so तक इसका करेक्ट आंसर है 15 परसेंट ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट सेट किया गया है चार सिटीज हैं जिनको टारगेट किया जाएगा प्रॉपर जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को इंक्रीज किया जाएगा वो है शिमला मंडी बद्दी और धर्मशाला और ये भी तय किया गया है कि लगभग वन इंटू वन किलोमीटर की ग्रिड बना के डिसाइड किया जाएगा कि इतनी ग्रिड में एक चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल का होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी के द्वारा रिसेंटली धर्मशाला में क्लोर्डगंज रोप वे जो है उसका इनग्रेशन किया गया किस जगह पे किया गया ये आपको बताना है सो so, इसका करेक्ट आंसर है कांगड़ा बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि आपको अगर जगह पता है कहां पे है तो आराम से इसका आंसर दे सकते थे इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो याद रखने वाली है वो ये है कि वन किलोमीटर लंबा ये रोप वे रहेगा इसकी टोटल लागत दो करोड़ रुपए आई है ये एक घंटे में एक डायरेक्शन में लगभग एक हजार लोगों को कैरी कर सकता है और इससे मैक्लोडगंज से, से धर्मशाला का जो डिस्टेंस है वो केवल पांच ही मिनट का रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है संफिया फाउंडेशन किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और इस फाउंडेशन को वर्ल्ड क्लास जीरो अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया सो so आंसर है कुल्लू से ये संफिया फाउंडेशन जो है वो बिलोंग करती है जिसको ये अवार्ड दिया गया और ध्यान रखेंगे ये ये जो अवार्ड है ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑस्ट्रिया जो कि वियाना में है उसकी कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया और ये जो कॉन्फ्रेंस है इस कॉन्फ्रेंस का नाम था जीरो प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस इसी जीरो प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन ऑफिस के द्वारा ये अवार्ड इस सम्फिया फाउंडेशन को दिया गया और कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली यहाँ पे ये जो संफिया फाउंडेशन है ये थेरेपी की फैसिलिटी देती है स्पेसिफिकली डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन को जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उनको आश आ, उनको आश बाल विकास केंद्र और डिफरेंट प्रोजेक्ट के तहत जैसे कि थेरेपी ऑन व्हील प्रोजेक्ट हो गया इसके तहत उनको डिफरेंट थेरेपीज दी जाती हैं ताकि उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी की जा सके और ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है डोर टू डोर कैंपेन भी करती है और कुल्लू में स्पेसिफिकली जो बच्चे अपने घरों में रहते हैं डिफरेंटली एबल्ड हैं वो नहीं आ सकते ट्रीटमेंट के लिए उनको डोर टू डोर फैसिलिटी दे के वहाँ पर भी उनका इलाज जो है वो किया जाता है सो so, इसके द्वारा आपके आपके आश चाइल्ड डिवेलपमेंट सेंटर जो हैं वो खोले गए हैं वहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं आराम से वो अपनी थेरेपी ले सकते हैं जो नहीं आ सकते इस डेवलपमेंट सेंटर पे उनको डोर टू डोर जाके वो फैसिलिटी दी जाती है इसी चीज के लिए इनको वर्ल्ड क्लास जीरो अवार्ड जो है वो दिया गया जीरो प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस में जो कि ऑस्ट्रिया व्याना में हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कौन से टीचर को सारा भाई नेशनल टीचर अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया इसका करेक्ट आंसर है सुनील धीमन बेसिकली ये ज्वालामुखी सब डिविजन के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रहने वाले हैं इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है साइंस का जो स्पेसिफिक फील्ड है वो इस अवार्ड को रिकॉग्नाइज करता है और इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन को सराहने के लिए अवार्ड दिया गया सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ही ये दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा बलौरिया इनको जूनियर वेमेन फेंसिंग वर्ल्ड कप 2022 में सेलेक्ट किया गया है आपको बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं जिनको कि इस फेंसिंग वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया गया इसका करेक्ट आंसर है ये कांगड़ा से है जवाली सब डिवीजन जो है कांगड़ा का वहां से बिलोंग करती हैं और ये जूनियर विमेन फेंसिंग वर्ल्ड कप 2022 में पार्टिसिपेट करेंगी और ये कप कहां पे कंडक्ट हो रहा है ये भी ध्यान रखना है स्पेन में ये वर्ल्ड कप होगा जहां पे ये पार्टिसिपेट करेंगी नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यानंद सिरायक जो हैं जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं इनको पद्मश्री से नवाजा गया किस फील्ड में किस कैटेगरी में इनको पद्मश्री दिया गया है है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है लिटरेचर एंड एजुकेशन हिमाचल के फोक कल्चर को बहुत मानते हैं ये और इन्होंने बहुत इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन किया है स्पेसिफिकली सिरमौरी फोक कल्चर को कंजर्व करने के लिए सो so, पद्मश्री अवार्ड जो है वो इनको इन्हीं कल्चर से रिलेटेड जो इन्होंने राइटिंग्स लिखी हैं और इसको जो बढ़ावा दिया है तो इसी में इनको लिटरेचर एजुकेशन में ये पद्मश्री दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन ललिता वकील जी के बारे में है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं इनको भी पद्मश्री का अवार्ड दिया गया आपको बताना है कि इनको किस कैटेगरी में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है So, इसका करेक्ट आंसर है इनको आर्ट की कैटेगरी में ये अवार्ड जो है वो दिया गया है ये बेसिकली चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं सो so, इन्होंने चंबा रुमाल जो है उसको बहुत ही फेमस किया है बहुत अच्छा काम किया है चंबा रुमाल को लोगों के बीच में स्प्रेड करने में उसका जो चंबा रुमाल का जो कल्चर है जो एस्थेटिक है उसको लोगों तक लेके जाने में सो so, चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने बहुत अच्छा एप्रीशियेशन दिया ललिता वकील जी को जिन्होंने कि चंबार माल का जो प्रमोशन है वो लगातार पचास साल तक किया और ये अवार्ड ना केवल उनको रेकग्नाइज करता है बल्कि हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट है चंबा डिस्ट्रिक्ट का चंबार माल उसको भी अप्रिशिएट करता है और दिखाता है उसकी इम्पोर्टेंस को इसके अलावा हम बात कर चुके हैं विद्यानंद सरायक जी के बारे में जिन्होंने सिरमौरी कल्चर को रिवाइव करने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया और बहुत सारे फोक सॉन्ग नाटी लिखे इसलिए उनको लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में अवार्ड दिया गया ठीक है और आपको ध्यान रखना है कि ललिता वकील जो है इनको प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा के द्वारा उन्नीस में भी ऑनर किया गया था और 2012 में प्रेसिडेंट परम प्रणब मुखर्जी के द्वारा इनको शिल्प गुरु अवार्ड भी दिया गया था तो ना केवल पद्मश्री बल्कि इनको पहले भी बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो दिए जा चुके हैं ललिता वकील इकलौती हिमाचली हैंडीक्राफ्ट हैं जिनको की ऑनर पद्मश्री का दिया गया क्योंकि हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेया लोहिया जी के बारे में इनको प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2022 जो है वो दिया गया आपको बताना है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं सो करेक्ट आंसर है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं ये केवल तेरह साल की हैं इन्होंने हिमाचल कार्टिंग रेस जो है उसमें बहुत फेम हासिल किया है जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया इन्होंने मास्टर की ट्रेनिंग जो है वो मलेशिया और इटली से ली है ये इंडिया की फर्स्ट गर्ल्स रेसर है। रेसर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की पहली गर्ल्स रेसर श्रेया लोहिया हैं। आप यहाँ पे इनका फोटोग्राफ देख सकते हैं ठीक है श्रेया लोहिया केवल तेरह साल की है ये और इन्होंने एफ गर्ल्स जो था वो कॉम्पिटिशन हुआ था दो में बेंगलोर में उसमें फर्स्ट पोजिशन जो थी वो हासिल की थी So, हिमाचल के कैटिंग रेस से ये बिलोंग करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट लेवल फंक्शन जो है हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड डे को सेलिब्रेट करने के लिए किस जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया 2022 में ये आपको बताना है और हम लोगों ने फिफ्टी फिफ्टी सेकेंड फुल स्टेटहुड डे जो है वो सेलिब्रेट किया और ये हुआ है सोलन में तो ध्यान रखेंगे शिमला नहीं लगा देंगे क्योंकि ज्यादातर शिमला में ही सारे फंक्शन होते हैं तो सोलन में जो थोड़ो मैदान है वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट में कितने पंचायत हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका करेक्ट आंसर है थ्री सिक्स वन फाइव नाइनटीन सेवेंटी वन में हिमाचल प्रदेश में टू जीरो सिक्स टू ग्राम पंचायत थी और इनका नंबर जो है वो अब बढ़ के हो चुका है थ्री सिक्स वन फाइव जिसमें कि चार सौ बारह नई पंचायत हैं जिनको की स्टेट के द्वारा अभी अभी क्रिएट किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली चरणजीत सिंह जो कि ओलंपिक के ओलंपिक विनिंग हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन थे इनका देहांत हो चुका है आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे इसका करेक्ट आंसर है ये हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट से थी इनकी अगुवाई में इंडियन टीम ने 1964 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे वहां पे गोल्ड मेडल जीता था आप इनका फोटोग्राफ देख सकते हैं चरणजीत सिंह जी को अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था सरकार के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शिखर साहित्य सम्मान दो हजार अठारह ये अवार्ड किनको दिया गया ये आपको बताना है So, इसका करेक्ट आंसर है ये अवार्ड डॉक्टर ओसी हांडा को दिया गया ये अवार्ड डॉक्टर ओसी हांडा को दिया गया है और इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो सराहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो डिटेल है वो देख सकते हैं सो चीफ मिनिस्टर के द्वारा आचार्य केशव शर्मा को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शिखर साहित्य सम्मान 2017 दिया गया ये इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखेंगे और डॉक्टर ओसी हांडा को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शिखर साहित्य सम्मान दो दिया गया और किस लिए दिया गया फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर यह इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसी तरीके से मोहन राठौर जो है उनको महाराजा संसार चंद शिखर कला सम्मान 2017 दिया गया दिनेश कुमारी जो है इन्हें कला सम्मान 2018 दिया गया तो साल ध्यान रखना है यहाँ 2018 के लिए डॉक्टर ओसी हांडा है 2017 के लिए आपके जो है वो आचार्य केशव शर्मा है सिमिलरली अगर आप फील्ड ऑफ आर्ट में बात करेंगे तो कला सम्मान दिनेश कुमारी को दो के लिए दिया गया है और महाराजा संसार चंद को ये सम्मान 2017 के लिए दिया गया है ठीक है और रुमाल चंबा रुमाल के प्रमोशन के लिए स्पेसिफिकली ये जो आपका अवार्ड है ये कला सम्मान दिनेश कुमारी जी को 2018 के लिए दिया गया और जो चंद शिखर जो महाराज संसार चंद है इनको ये जो अवार्ड दिया गया था कला सम्मान ये फील्ड ऑफ आर्ट के लिए दो में दिया गया था ठीक है सो चारों के नाम 2017-18 के अनाउंस हुए हैं अवार्ड तो सबके नाम आपको ध्यान रखने हैं और ये जो अवार्ड रहते हैं इसके तहत कैश प्राइज एक लाख रुपए तक का दिया जाता है सो डॉक्टर ओसी हांडा को इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर ये अवार्ड दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्डली फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसिडर किन्हें नियुक्त किया गया है इसका करेक्ट आंसर है हास ओशी शर्मा जो है इनको इसकी फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया इसके लिए एक प्रोग्राम लाडली फाउंडेशन के द्वारा बिलासपुर में आयोजित किया गया है तो ध्यान रखेंगे इसका जो जिला मुख्यालय बिलासपुर है वहां पे ये फाउंडेशन है जहां पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ वहां पे इनको ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओजस्वी राणा के बारे में आपको बताना है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं इनको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यंग साइंटिस्ट का अवार्ड दिया गया ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं कांगड़ा में स्पेसिफिकली सुल्हा की रहने वाली हैं ये 2021 में ये अवार्ड इनको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया है और इनको केमिस्ट्री के रिसर्च प्रोजेक्ट में जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको सराहने के लिए अवार्ड दिया गया केमेस्ट्री में स्पेसिफिकली इन्होंने कैंसर पेशेंट और एल्जाइमर के जो पेशेंट होते हैं उन पे बेवरेजेस का क्या इफेक्ट होता है उसको स्टडी किया उस रिसर्च के लिए इनको ये दिया गया है इसके अलावा इनको बायोटेक इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया था फॉर डिजिटल थेरेपी इनोवेशन और ये डिजिटल थेरेपी इनोवेशन उन्होंने सैरबेरल पेलसी के लिए निकाली थी और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया डिफेंस फोर्सेज जो हैं उनके द्वारा इनको फ्यूचर साइंस इनोवेटर अवार्ड जो है वो भी 2021 में मिला था क्वेश्चन है येलो थ्रोटेड मार्टन इसको जंगल धामसू में देखा गया कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेट किया गया ये आपको बताना है तो अगर आपको पता है जंगल धामसू जो है वो मनाली में लोकेटेड है तो आप इसका आंसर जो है वो आराम से दे सकते थे यहां आप देख सकते हैं येलो थ्रोटेड मार्टन जो है मनाली के जंगल धामसू में इसको लोकेट किया गया है और स्पेसिफिकली गांव अगर पूछा जाए तो कार्जन विलेज अगर पूछा जाए कार्जन विलेज न्यूज में था कहाँ पे है तो मनाली में है अगर डिटेल में देखा जाए तो इनका जो साइंटिफिक नेम है येलो थ्रोटेड मार्टन का वो है मार्टन फ्लेवेगुला ये मार्टन स्पीशीज जो है वो एशिया के नेटिव स्पीश है, स्पीशीज हैं और आयु सी एन की रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है और एक चीज और ध्यान रखनी है कि इनको खारजा या फिर जो थ्रॉल भी कहा जाता है और ये लार्जेस्ट मार्टिन है पूरे ओल्ड वर्ल्ड में ठीक है और इनकी जो टेल होती है यानी कि इनकी जो पूंछ होती है वो इन जितनी इनकी लंबाई होती है इनकी लंबाई की आधी तो इनकी पूंछ होती है और आप इनका कलर देख सकते हैं ठीक है व्हाइट गोल्डन येलो ब्राउन ये तीनों कलर का कॉम्बिनेशन इनमें पाया जाता है थ्रॉट गले का स्पेसिफिक जो कलर है वो होता है येलो इसलिए मतलब आप इनको येलो थ्रोटेड मार्ट, मार्टन के नाम से जानते हैं और ये फियरलेस एनिमल होते हैं ठीक है कुछ इनमें से नेचुरल प्रिडेटर भी होते हैं क्योंकि उनका बिल्ड या फिर जो कलरेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है और ह्यूमन और डॉग से बहुत ही लिटिल इनको मतलब थोड़ा सा डर होता है इनको आप टेम भी कर सकते हैं ईजिली दे कैन बी टेम्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट के द्वारा व्यास फिल्म फेस्टिवल जल्द ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑन द सेम लाइन जैसे हम नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाते हैं तो ये व्यास फिल्म फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा कहाँ पे कंडक्ट होगा ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर है बिलासपुर में ये व्यास फिल्म फेस्टिवल जो है उसको मनाया जाएगा जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के फेस्टिवल मनाए जाते हैं सो so, व्यास फिल्म फेस्टिवल का अगर फोकस पूछा जाए तो फोक कल्चर जो स्टेट का है और फोक टेज लोकगीत जो है उसको फेमस करने के लिए उसको प्रमोट करने के लिए व्यास फिल्म फेस्टिवल को बनाए जाने की जो है वो बात की जा रही है दो कैटेगरीज फिल्म फेस्टिवल में सेट की गई है पर्टिकुलरली ठीक है फिल्म खेती और मुंडे पहाड़ी प्रोडक्शन जिसमें कि शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री कवर होंगी इसके तहत ही ये कंडक्ट किया जाएगा बेस्ट शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री जो होगी उसको कैश प्राइज दिया जाएगा ये फेस्टिवल बिलासपुर में 15 से 16 अप्रैल में होगा डेट ध्यान रख सकते हैं लास्ट डेट अगर आपको अपनी फिल्म और डॉक्यूमेंट्री भेजनी है वो है पंद्रह मार्च ये फेस्टिवल बिलासपुर में कंडक्ट होने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं एक इन्फॉर्मेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखिए रखेंगे कि हिमाचल कैबिनेट के द्वारा इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी जो है उसको ओके okay कर दिया गया है अब इस पॉलिसी का एम ध्यान रखना है क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकता है इसके जो एम है उसमें हम ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करेंगे सब्सटेंस एब्यूज को रोकेंगे कल्टीवेशन प्रोडक्शन और ड्रग्स का जो कंजम्पशन होता है स्टेट में उसको रोकेगी पूरे तरीके से इसी के साथ ही लेक्चर खत्म होता है अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच